इन्फिनिक्स का हॉट 25 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है। यह हमें 12-12.5 हज़ार रुपए के रेंज में देखने को मिलने वाला है। इस रेंज में हमें लावा की तरफ से भी एक स्मार्टफोन देखने को मिलता है, लावा ब्लेज 5G। इसकी भी प्राइस लगभग हमें 11-12 हज़ार के रेंज में देखने को मिलती है। तो अगर आपको इस बजट में एक 5G स्मार्टफोन चाहिए और अगर आपके दिमाग में ये दोनों स्मार्टफोन है तो इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट साबित हो सकता है, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो हे गाइस, दिस इज विजय एंड यू वॉचिंग टेक विजय यूट्यूब चैनल। वैसे तो 14,000 के अंडर एक 5G स्मार्टफोन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 14,000 के ऊपर बहुत सारे ब्रांड की तरफ से अलग अलग 5G स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें भी हमें बहुत सी कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है। तो 14,000 के अंडर अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन मिल रहा है तो ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर मैं इन्फिनिक्स या फिर लावा की तारीफ नहीं कर रहा, मैं जो सच है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको 14,000 के अंडर एक 5G स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आपको बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। अभी इन स्मार्टफोन में भी हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिलते हैं, वो क्या है हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो इन्फिनिक्स हॉट 25 स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें तो रियर साइड से ये स्मार्टफोन देखने में काफी अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा इसका कैमरा मॉड्यूल देखकर मुझे वन प्लस के फोन की याद आती है। तो यार, कैमरा मॉड्यूल की वजह से इसका जो रियर साइड का लुक है वो काफी सही है। हालांकि रियर साइड का जो पैनल हुआ हमें प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है और जो इसमें फ्रेम भी है वो प्लास्टिक की ही देखने को मिलती है। इस बजट में आपको सभी स्मार्टफोन्स के ऊपर प्लास्टिक की फ्रेम और प्लास्टिक का बैक पैनल देखने को मिलता है। तो आज के समय में एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हाई मत रखना कि आपको ग्लास बैक वगैरह ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। आज के समय में ऐसा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि 2020 में हमें रेडमी का नोट 10 ग्लास बैक के साथ और मेटल फ्रेम के साथ 10,000 रुपए में देखने को मिलता था। मैंने लिया भी है उसे अमेजोन से और बहुत सही चल रहा है स्मार्टफोन। लुक में भी काफी अच्छा है। देखेंगे, अगर आपकी डिमांड आती है तो डेफिनेटली उसके बारे में भी एक रिव्यू वाली वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे, लेकिन आपको कमेंट कर बताना पड़ेगा। इस फोन के फ्रंट लुक की अगर हम बात करें तो फ्रंट लुक इतना ज्यादा कुछ इसका खास नहीं है। ये फोन हमें वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिलता है और जो चिन और बेजल से वो भी इसमें काफी बड़ी बड़ी देखने को मिलती है। और वही अगर हम लावा के फोन की भी बात करें तो लावा के फोन की भी जो रियर साइड की डिजाइन है वो काफी सही है। हालांकि जो उसका कैमरा मॉडल देखकर मुझे वीवो वाले फोन की याद आती है। तो वीवो वाले कैमरा मॉडल वैसे ही होते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि आप कैमरा मॉडल अगर कॉपी कर रहे हो तो उनके कंपोनेंट भी थोड़ी बहुत कॉपी करा करिए और जो कैमरा आउटपुट आते हैं उनमें हमें थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिले। तो रियर साइड से इस फोन का भी लुक हमें काफी सही देखने को मिलता है। इस फोन में भी हमें प्लास्टिक बैक पैनल देखने को मिलता है और जो इसका फ्रेम है वो भी हमें प्लास्टिक का ही देखने को मिलता है। फ्रंट साइड से इसमें भी हमें वाटर ड्रॉप नॉच के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसके भी चिन और बेजल से वो हमें बड़ी बड़ी देखने को मिलती है। तो मैंने जैसे पहले ही कहा है कि इस बजट में आप एक्सपेक्टेशन हाई मत रखना, इसमें आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक कॉम्प्रोमाइज है। डिस्प्ले की बात करूं तो इन्फिनिक्स हॉट 20 में हमें 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस IPS सेंसर पैनल देखने को मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज का सैंपलिंग रेट के साथ आता है। इस डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन हमें पांडा ग्लास का देखने को मिलता है, तो गोरिल्ला ग्लास हमें इसके ऊपर नहीं देखने को मिलता। इस डिस्प्ले की मैक्सिमम पिक ब्राइटनेस हमें 500 नीट्स तक देखने को मिलती है, तो कंपैरेटिवली लो है बट IPS LCD पैनल के हिसाब से ठीक ठाक कह सकते हो और इस प्राइस में हमें इतनी ही मिलती है। और वही अगर हम लावा ब्लेज 5G की बात करें तो उसमें हमें 6.5 इंचेस का HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इस डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन कौन सा लगा है ये कहीं पर मेंशन नहीं करा है और जो इसकी पीक ब्राइटनेस है वो भी कहीं पर मेंशन नहीं करी है, लेकिन एज पर माय नॉलेज मुझे लगता है कि इसके मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस आपको 400-500 नीट्स तक मैक्सिमम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाकर मत रखना। तो लावा ब्लेज 5G और इन्फिनिक्स हॉट 20 के डिस्प्ले को अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली इन्फिनिक्स हॉट 20 का डिस्प्ले ज्यादा बेहतर आपको वैल्यू प्रोवाइड करे। बैटरी इन दोनों फोन में हमें 5000 mAh के देखने को मिलती है बट इन्फिनिक्स हॉट 20 में हमें 4018 वॉट का देखने को मिल जाता है और लावा ब्लेज 5G में हमें 10 वॉट का देखने को मिलता है। तो कंपैरेटिवली दोनों ही चार्जर काफी स्लो है बट लावा का कुछ ज्यादा है। कैमरे की बात करूं तो दोनों फोन में हमें लगभग सेम ही सेटअप देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स हॉट 20 में हमें रियर साइड में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का लेंस लगा है और सेकेंडरी एक AI लेंस है, इन्फिनिक्स ऐसा कहता है। अभी उसका मेगापिक्सल कितना है इन्फिनिक्स ने यह कहीं पर मेंशन नहीं करा है। अभी हालांकि इन्फिनिक्स ने एक डेडिकेटेड AI लेंस दिया है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी फोटोज कैसी आती है ये देखने वाली बात होगी। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा हमें इस फोन में देखने को मिलता है। बाकी लावा ब्लेज 5G में भी आप सभी टाइप के फोटोज क्लिक कर पाओगे और वीडियोस लावा ब्लेज 5G के रियर कैमरे से आप 1080p वाली वीडियो 30fps तक मैक्सिमम रिकॉर्ड कर पाओगे और सेल्फी कैमरे से मुझे लगता है 720p वाली वीडियो 30fps तक आप मैक्सिमम रिकॉर्ड कर पाओगे।
लावा में मुझे लगता है कि थोड़े से आपको लिमिटेशंस देखता रहेंगे। प्रोसेसर की बात करें तो इन्फिनिक्स हॉट 20 में हमें डेफिनेटली एक बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो इन्फिनिक्स हॉट 20 में हमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 6 नैनोमीटर चिपसेट के ऊपर बनाया हुआ प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। तो इस प्रोसेसर से आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, इसके ऊपर अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हो। और ये एक नया प्रोसेसर है और बहुत सारे ब्रांड्स ने इस प्रोसेसर को यूज करा है, तो डेफिनेटली ये वेल ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर होने वाला है। और वही अगर मैं लावा ब्लेस 5G की बात करूं तो उसमें भी हमें मीडियाटेक का ही प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन उसमें डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर है, जो कि काफी पुराना प्रोसेसर है। ये एक 7 नैनोमीटर चिपसेट के ऊपर बना हुआ प्रोसेसर है। बट यहाँ पर कहने वाली बात ये है कि जो डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर है वो आजकल बहुत सारे फोन में यूज करा है, तो उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा हो गई है। और डायमेंसिटी 700 पुराना प्रोसेसर हो गया है, तो डेफिनेटली उसके लिए इतनी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई होगी। और मुझे याद भी नहीं आ रहा कि डायमेंसिटी 700 के साथ किसी ब्रांड ने अपना फोन लॉन्च करा है। आपको पता है कौन सा फोन है? अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। दोनों फोन में हमें एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिलता है, बट यहाँ पर जो दोनों फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होने वाला है। मतलब लावा ब्लिस 5G में हमें क्लीन एंड्रॉइड देखने को मिलता है, और वही अगर हम इन्फिनिक्स हॉट 20 की बात करें तो उसमें हमें इन्फिनिक्स की XOS देखने को मिल जाती है, जिसका वर्जन अभी चालू है 10.6। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ओपिनियन वायरी कर सकते हैं। किसी किसी को क्लीन एंड्रॉइड पसंद है, किसी किसी को कस्टम UI पसंद है। मैं पर्सनली कस्टम UI को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स वगैरह वो आपको देखने को मिलते हैं, वैसा आपको क्लीन एंड्रॉइड में नहीं देखने को मिलता। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दें। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैं पर्सनली प्रेफरेंस दूंगा कस्टम UI को, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस कंपनी की UI कितनी ज़्यादा स्टेबल है। बाकी दोनों फोन में हमें 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिलते हैं, डेडिकेटेड सिम स्लॉट हमें इन दोनों फोन में देखने को मिलता है। दोनों फोन में भी NFC कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है, ब्लूटूथ 5.0 दोनों फोन में देखने को मिलता है। और वाईफाई इन्फिनिक्स हॉट 20 में हमें शायद से 5 देखने को मिलता है, और जो लावा ब्लिस 5G है उसमें हमें शायद से 4 देखने को मिलता है। अभी मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ, मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी तो उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। सेंसर्स के बारे में कहूँ तो दोनों ही फोन में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलते हैं। बाकी जो अदर सेंसर्स है वो इतने ज्यादा नहीं है, सेंसर्स में बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक करी है। अभी मैं एग्जैक्टली ये नहीं जानता कि इन दोनों फोन में से कौन कौन से सेंसर गायब है, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि जो इन्फिनिक्स हॉट 20 है उसमें हमें फिजिकल जायरोस्कोप का सेंसर देखने को नहीं मिलता, वो सॉफ्टवेयर लेवल पर इन्होंने सेट कर रहा है। तो अभी देखने वाली बात है कि क्या जो सॉफ्टवेयर लेवल का जायरोस्कोप सेंसर है वो क्या फिजिकल जायरोस्कोप सेंसर की स्पीड को मैनेज कर पाता है या नहीं कर पाता। और लावा के सेंसर्स के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट पर नहीं मिली है, हमने कोशिश तो करी है लेकिन कहीं पर मुझे नहीं मिली। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि लावा में कौन कौन से सेंसर्स है और कौन कौन से गायब करे हैं, और इन्फिनिक्स के भी सेंसर्स आप मुझे आने वाले समय में बता सकते हो अगर आपके पास ये फोन हो। तो दोनों फोन इतने कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अगर मन बना लिया है कि इस बजट में आपको 5G फोन लेना है और इन दोनों फोन में से एक फोन लेना है, तो डेफिनेटली मेरा ज्यादा सॉफ्ट हैंड इन्फिनिक्स हॉट 20 की तरफ ज्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको बेटर प्रोसेसर देखने को मिलता है, उसका कैमरा भी थोड़ा ऑप्टिमाइज होगा, और उसमें आपको कस्टम UI मिलती है, और ऊपर से इन्फिनिक्स कंपनी काफी बड़ी है एज कम्पेयर टू लावा। तो मेरी रिकमेंडेशन इन दोनों फोन के लिए यही रहेगी कि दोनों फोन किसी काम के नहीं है। इस प्राइस के ऊपर डेफिनेटली आपको एक 5G वाला एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी देखने वाली बात यह भी है कि इन दोनों फोन में कितने ज़्यादा 5G के बैंड देखने को मिलते हैं। तो मैं रिकमेंड इन दोनों फोन को नहीं करूँगा। अगर आपको इसी बजट में फोन लेना है तो आप एक 4G वाला स्मार्टफोन ले सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे 4G स्मार्टफोन हमें इस बजट में देखने को मिलते हैं। और अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन ही लेना है तो फिर आपको अपना बजट थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि 12,000 रुपये में आपको 5G स्मार्टफोन मिलना वो भी बेटर क्वालिटी का बहुत ज़्यादा। वैसे इस बजट में आपको सैमसंग का भी एक फोन देखने को मिलता है, सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। तो मैंने इसके बारे में भी वीडियो बना कर रखी है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हो, यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगी। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।